हाय एवरीवन, दिस इज पवन शर्मा। कैसे हैं आप? आज एचडीएफसी बैंक की वजह से हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिला। पहले 15 मिनट में एक हाई भी बनाया जो 21850 के अराउंड था। आपको याद हो हमने यहीं पर टेलीग्राम पे कहा था कि रेसिस्टेंस अवेलेबल है 21850 का। उसके बाद एक सेकेंड अटेम्प्ट किया, थर्ड अटेम्प्ट किया और फिर हमने एक ट्रेंड लाइन प्लॉट किया। उस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाने के बाद में हमने डिसाइड किया था कि हम कोई भी बाय इनिशिएट करेंगे, लेकिन उसके बाद में उसने हिट करता हुआ उसी ट्रेंड लाइन को रेसिस्टेंस बनाते हुए नीचे आया। 1130 से लेकर और 230 तक उसने उसी रेंज में या उसी जोन में ट्रेड किया। 230 का ट्रेड हम लेना चाहते हैं, जिसको जीरो हीरो ट्रेड कहते हैं, लेकिन नीचे की तरफ उसका ब्रेकआउट होने की वजह से हमने उसको डिनाई कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट इतना नीचे गिर चुका था तो शायद नीचे स्कोप नहीं बचा था। ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट करता तो डेफिनेटली हमारे लिए एक रिकवरी की वजह से काफी अच्छा पुश मिल जाता और वो ट्रेड हमारा बढ़िया बनता, लेकिन हम उसको इग्नोर कर दिया। अब इसी को जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था एचडीएफसी बैंक, तो एक सोचिए, एक अकेला एचडीएफसी बैंक अगर मार्केट को इतना नीचे लेकर आ गया तो बाकी दो तीन जो हमारे हैवी वेट स्टॉक है अगर उन्होंने भी साथ पकड़ लिया तो क्या हाल होगा। तो आपको हर रोज क्या करना है, इन पर्टिकुलर स्टॉक्स का डेफिनेटली उनके सपोर्ट रेसिस्टेंस, उनके क्रूशियल लेवल, उनके बारे में न्यूज या फिर उनके ऑप्शन चेन को जरूर एक बार चेक करें। वापस से आते हैं और देखते हैं कि आज एचडीएफसी बैंक का ऑप्शन चेन क्या कहता है और उसके अकॉर्डिंगली हम कैसे ट्रेड करेंगे। ये हमारे पास में एचडीएफसी बैंक का ऑप्शन चेन मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है। रेसिस्टेंस अभी भी हमारा 1600 पे स्ट्रांगली खड़ा है, 1580 पे भी रेसिस्टेंस है, 1560 पे भी रेसिस्टेंस है, क्लोजिंग 1540 का है और अगर आप यहां देखेंगे ये 1550 है, 1550 और ये 1500 है। यहां पर ये लग रहा है 1450 को क्रॉस करके 1500 को होल्ड, 1550 को होल्ड कर लिया तो डेफिनेटली हमें एक राइज देखने को मिलेगा और इसी को सपोर्ट करता हुआ अगर मैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाऊं तो बैंक निफ्टी भी लगभग आपको ऐसा नजर आएगा। बैंक निफ्टी में जाते हैं, देखिए बैंक निफ्टी में यहां पर जो मैक्सिमम सपोर्ट है इस टाइम पे वो 46,000 पे है। नीचे भी देखिएगा बाकी सब लेवल पे है, तो ये एक उम्मीद हम कर सकते हैं दैट हल्का फुल्का अगर गैप डाउन होता भी है और वहां पर हिट करके वापस अगर क्रॉस कर लेता है, बस हम क्या करेंगे, हमें कोई भी अगर बाय करना है, कॉल बाय करना है तो 46,100 के ब्रेक होने के बाद में हमें करना चाहिए, बिकॉज उसमें रेसिस्टेंस अवेलेबल है। जो इमीडिएट रेसिस्टेंस अवेलेबल है 46,100 के पास है। तो एक तो हो गया 1550 एचडीएफसी बैंक का लेवल, दूसरा हमारे पास हो गया 46 और 46,100 बैंक निफ्टी के अंदर लेवल। अब एक बार फटाफट यहीं पर हम अगर उसको निफ्टी को भी देखेंगे, निफ्टी का तो कल एक्सपायरी है तो उसको भी एक बार देख लेते हैं, यहां भी आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। देखिएगा यहां पर भी 21,500 का सपोर्ट है, सॉरी 500, और थोड़ा बहुत अगर रेसिस्टेंस अवेलेबल है वो है हमारा 21,600 फॉलोड बाय 21,700। तो हम ये मान सकते हैं कल अगर तीनों इंपॉर्टेंट अगर स्टॉक्स को या इंडेक्स को चेक करते हैं तो ये मान सकते हैं कि मार्केट कल एक बार ऊपर भागेगा। उस ऊपर भागने पे जो भी उसका क्रूशियल लेवल है 21,600, 1550 और 46,100, इनमें से कोई भी लेवल जैसे हम बात कर रहे हैं ये क्रूशियल लेवल हो गए, तो अपने क्रूशियल लेवल के ऊपर अगर होल्ड कर लेता है तो हमें फर्दर ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन ये लेवल अगर स्लाइड कर गए, उसको ब्रेक करने की कोशिश किया, सस्टेन नहीं कर पाया और वापस से नीचे गिरा, तो समझ जाइएगा फिर से आपके लिए नीचे की जर्नी थोड़ा सा और 500-600 पॉइंट बैंक निफ्टी में डेफिनेटली देखने को मिलेगी, क्योंकि उसके नीचे जो हमारे पास सपोर्ट है वो है 45,500 का और एचडीएफसी बैंक में 1500 का सपोर्ट है। तो बस यही आपको ध्यान रखना है और एक बार जब ऊपर भागेगा जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, उसको सपोर्ट लेने दीजिएगा, थोड़ा सा थोड़ी देर वेट कीजिएगा। पेशेंस अगर रखेंगे मार्केट से अच्छा पैसा बना सकते हैं, पेशेंस नहीं रखेंगे तो हड़बड़ाहट में सिर्फ लुटाएंगे और कुछ नहीं होगा। और फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सपोर्ट नहीं किया है तो यार अभी जाकर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भूलिएगा, बिकॉज उससे आपको आने वाली जितनी भी वीडियो होंगी उनके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आपके लिए वीडियो बनाने में काफी मेहनत करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कुछ लिंक्स अवेलेबल हैं, जैसे हमारे वेबसाइट का लिंक जहां पर हमारे सारे कोर्सेज अवेलेबल है फ्रॉम बिगनर टू एडवांस लेवल। उसके अलावा आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं वूडू ट्रेडिंग ऑनलाइन, अलॉन्ग विद दैट टेलीग्राम जिसकी हम बात कर रहे थे कि मैंने वहां पर आपको सपोर्ट के लिए बोला था, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब लेवल्स वाइज, अब ज्यादा आपके लिए बचा नहीं, यहां पर हम चाहे तो एक फाइनेंशियल निफ्टी को भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं ताकि उसके बाद तो सिर्फ हमारे लिए जस्ट आई वुड से लेवल्स ही डिस्कस करने पड़ेंगे। यहां भी नोटिस करेंगे फाइनेंशियल निफ्टी के अंदर ये है हमारा 2500 और सपोर्ट रेसिस्टेंस हमारा 2600 है। यहां भी हमारे पास वही लेवल है दैट बीच में अटका हुआ है,
तो ये लेवल क्रॉस कर लेता है और होल्ड कर लेता है, तो बाकी सारे इंडेक्स की तरह यहां भी हमें थोड़ा सा बाइंग देखने को मिलेगा। अब लेवल्स को डिस्कस कर लेते हैं इन क्विक 1 मिनट। तो यहां पर हम बात आप चाहते हैं चार्ट के ऊपर, तो पहले मैं 15-30 मिनट का चार्ट ले आता हूं यहां पर आपके लिए, ये रहा। अब इसको मैं यहां पर डिलीट कर देता हूं और ये हम इसको ऐसे एक्सटेंड कर लेते हैं। अभी करंट क्लोजिंग अगर बात करते हैं तो करंट क्लोजिंग हमारे पास में है, दैट वुड बी 571। हमने क्या डिस्कस किया था, 21600। तो ये लेवल हमारा कहाँ आएगा, इसके नीचे। देखिएगा ये जो हमने जोन बनाया है, बस यही जोन जो आपको करना क्या है, जो हमारा हाई बना था पहले आप 15 मिनट का चार्ट लीजिएगा, जो हमारा हाई बना था 11:30 के आसपास 15 मिनट पे, उसको टच करना है। और हमारा जो 215 पे जो लास्ट कैंडल बना था, और उसके बाद में इसको आपने कनेक्ट करना है। ये वापस अगर इस लेवल में घुस जाता है, इस जोन में आ जाता है, और जोन में आने के बाद थोड़ा देर यहाँ ट्रेड करके और फिर भागता है ऊपर, तो देखिए इसमें लगभग आपका 100 पॉइंट अवेलेबल है। तो पहला टारगेट तो आपका 21700 का हो जाएगा, और उसके ऊपर आपके पास में 740 का सेकंड लेवल निकल के आएगा। और नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो अब हमारे पास सपोर्ट कहां पर है, सपोर्ट हमारे पास में है हल्का फुल्का 21500 का। तो आप क्या करेंगे, हल्का फुल्का अगर आप चेक करते हैं यहां पर, एक मिनट दीजिएगा, ये 4571 का है। अगर इसको मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम को थोड़ा सा और नीचे देखते हैं, हमारे पास कहां से भागा था, 550 पे ही भागा था। तो हम क्या करेंगे, 21550 का लेवल ये ब्रेक करता है या फिर गैप डाउन ओपन करता है, ऊपर जाने के बाद रेसिस्टेंस फेस करता है, दोनों कंडीशन में 540 तक आपका पुट बाय बनेगा इस कंडीशन में। और इस कंडीशन में आपका 21, ये जो ऊपर बनता है ना 21600 से लेकर 620 का ब्रेक होने के बाद में आपका कॉल बाय बनेगा निफ्टी के अंदर। अब इसी तरह से हम बैंक निफ्टी को भी चेक कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में अगर हम देखते हैं तो बैंक निफ्टी में हमारे पास 46100 का लेवल है। तो ये कौन सा आ जाएगा हमारे पास, कुछ चेक कर लेते, थोड़ा सा नीचे लाना पड़ेगा ये हल्का सा ऐसे, दिस इज समथिंग लाइक दैट, ये रहेगा आपके पास में। मैं इसी में ऐसे करता हूं यहां पर, तो ये निकल के आ गया आपका 46200 का लेवल है। क्लोजिंग हमारा 46464 का है। वैसे तो देखिए यही लेवल समझ में आ रहा है कुछ, अगर हम देखेंगे तो नीचे का लेवल तो हमारे लिए रेडी हो गया है, वो रहेगा 45950 से लेके 46000 का, क्योंकि हमारे पास सपोर्ट यहीं पर है। ये लेवल ब्रेक करता है, रेसिस्टेंस फेस करता है, गैप डाउन ओपन भी करे, ऊपर जाने के बाद होल्ड ना कर पाए, और यहीं पर रेसिस्टेंस उसको मिलेगा, तो यहां पर आप पुट बाय करेंगे। ऊपर की तरफ मैं थोड़ा सा वेट करना चाहूंगा। वेट क्यों करना चाहूंगा, क्योंकि देखिए इमीडिएट हमारे पास 46100 ब्रेक होने के बाद आप एंटर तो करेंगे नहीं, एंटर करेंगे क्या पता फंस गए। तो हम क्या करेंगे, 46150 से लेके 200 के आसपास पहला कैंडल, अगर तो 5 मिनट का इतना बड़ा बन गया कि वो 200 को क्रॉस कर गया, फिर हम क्या करेंगे, फिर आपको लगेगा अरे यार बहुत नुकसान हो गया और अब तो मेरे लिए एंट्री अवेलेबल नहीं है। बड़ा स्टॉक है, 50 पॉइंट सब जो है 80 पॉइंट आराम से निकल जाते हैं। तो इन लेवल के ऊपर जाने के बाद में कहीं भी सपोर्ट लेता है, थोड़ा सा अपने आपको होल्ड करता है और उसके बाद में राइज करना है, तो आपका कॉल बाय बनेगा यहां पर बैंक निफ्टी के अंदर, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर मैं फाइनेंशियल निफ्टी को चेक करता हूं, तो फाइनेंशियल निफ्टी में देखिएगा यहां पर इसको हम पहले तो ऐसे करते हैं, 21570 का निकल के आएगा, और नीचे की तरफ देखते हैं ये आपका बन रहा है समवेयर क्लोज टू 505। तो अभी क्लोजिंग कहां का है, 528 का है। तो 2500 ये ब्रेक करता है 490 तक, तो आपका और अगर गैप डाउन होगा और ऊपर जाने के बाद में वापस से होल्ड नहीं कर पाया, तो सीधा सीधा पुट बाय आप यहीं पे कर पाएंगे। ऊपर की तरफ भागता है तो ये लेवल आपको नजर आ रहा है, विच इज कमिंग अराउंड 2560 से लेके 570 का लेवल, ये ब्रेक करेगा और थोड़ी देर यहां पे सस्टेन कर लेता है। इस जोन में कोई ट्रेड मत लीजिएगा, या तो नीचे या इसके ऊपर जाने के बाद। नीचे गैप डाउन ओपन करता है, ऊपर भागता है, यहां होल्ड करता है, तभी उस कंडीशन पे किसी भी सपोर्ट लेवल पे आप तभी बाय करेंगे, चाहे वो निफ्टी हुआ चाहे बैंक निफ्टी हुआ। जब वो नीचे से जाने के बाद में होल्ड कर ले तो बाय ऑन डिप भी कर सकते हैं, और इसके बाद में आप ऊपर जाएंगे। लेकिन अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो यही लेवल आपका काम करेगा कॉल बाय के लिए इन फाइनेंशियल निफ्टी। स्टॉक सिलेक्शन में हमारा पहला पिक रहेगा अंबुजा सीमेंट, तो उसी जोन में ट्रेड कर रहा है जहां पर हमने 2-3 दिन पहले इसको देखा था। लेकिन देखिएगा उसने आज वहीं पर रेसिस्टेंस फेस किया है और नीचे आ गया है। इस तरह की जो मूवमेंट होती है और वो भी वॉल्यूम के साथ में, ये इंडिकेट करती है फर्दर सेल, और फर्दर सेल हमारा बन रहा है 520 के नीचे। तो अगर ये फर्दर सेल हमारा 518-520 तक चला जाता है, इसके ब्रेक होने के बाद में नीचे चला जाता है, तो ये हमारा सेल इनिशिएट करेगा। कोई भी ऐसी कंडीशन आती है जहां पर थोड़ा बहुत अगर बाउंस बैक भी बनेगा, तो याद रखिएगा ऊपर का लेवल 540
तक टच कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, 524 से लेके 525 अगर ब्रेक करके उसके ऊपर होल्ड कर लेता है विद एनी काइंड ऑफ पॉजिटिविटी, तो यहां पर हमारा बाय बनता है अंबुजा सीमेंट में किसी भी इंडिकेशन में। अगर मान लीजिए आप निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं तो 40 पॉइंट, बैंक निफ्टी आपका 80 पॉइंट, फाइनेंशियल निफ्टी 40 पॉइंट, और यहां पर आपका 4 रुपए का आप स्टॉप लॉस रखिएगा, इससे ज्यादा मत रखिएगा, और ये रहेगा हमारा अंबुजा सीमेंट। अगला हमारे पास बिरला सॉफ्ट। अगर आज आईटी सेक्टर ने सपोर्ट नहीं किया होता, आईटी सेक्टर नहीं गिरा है, चलो उसने लिफ्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी काफी हद तक उसने निफ्टी को गिरने से रोका है। कल अगर वापस से थोड़ा बहुत बाइंग आता है आईटी सेक्टर में, तो समझ जाएगा एक बूम निकलेगा। और यहां पर अगर आप चेक करते हैं मैंने इसको क्यों पिक किया है वो देखिएगा, ये जो पार्ट है आपके पास में, आज का हाई क्या है, आज का हाई है 806 का। अगर आप चेक करेंगे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट लगभग दोनों बराबर है, तो ये जो 806 का लेवल है ये एक ब्रेकआउट लेवल है, इसके ऊपर जाने के बाद आपका यहां पर बाय इनिशिएट होगा और ये ब्रेकआउट भी है। इनफैक्ट यही लेवल रेसिस्टेंस की तरह भी काम करेगा। अभी आपने जैसे अंबुजा सीमेंट में देखा था ना, तो आप क्या करेंगे, कुछ ऐसा होता कि ऊपर जाके नीचे होल्ड नहीं कर पा, नीचे गिरना शुरू करे, तो 800 पे आप सलोन राइज कर लीजिएगा। फ्लैट ओपनिंग के केस में 795 अगर ब्रेक करके वहीं पर रेसिस्टेंस फेस करता है, एक दो पॉइंट ऊपर नीचे छोड़ दीजिएगा, 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेगा, तो आपका यहां पर सेल बनेगा, और उसके बाद में कुछ नहीं तो कम से कम आपके पास 50 पॉइंट का फॉल बनेगा। तो आप अगर आप कैरी फॉरवर्ड भी करना चाहेंगे पुट को, तो एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ फोल्ड जो है होल्ड कीजिएगा, और यहां पर आपका सेल इनिशिएट होगा बिरला सॉफ्ट में। अगला हमारे पास पावर ग्रिड। पावर ग्रिड में भी जस्ट लाइक अंबुजा सीमेंट हुआ है, यहां पर देखिएगा कई बार उसने हिट किया है और वापस से उसने उस लेवल को आज टच किया जो उसका रेसिस्टेंस था और फिर से गिर गया। लेकिन यहां पर हमारे पास दोनों अपॉर्चुनिटी है और एक कंडीशन ये भी है कि रेंज बाउंड भी हो सकता है। पहली अपॉर्चुनिटी क्या है हमारे पास, 237 अगर ब्रेक करके वापस नीचे आता है तो सेल इनिशिएट होगा, और ऊपर की तरफ अगर भागता है तो 240.50 से लेकर 241 अगर ब्रेक करता है, जैसे आप यहां देख भी रहे हैं इसके ऊपर होल्ड कर लेता है, तो यहां पर भी आपका एक अच्छा सा बाय बनेगा, और इसी बेसिस पर हमने इसको पिक किया पावर ग्रिड। अगला है हमारे पास अमर राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी। इसने क्या किया, इसी लेवल को पहले हिट किया, फिर यहां पर एक ब्रेकआउट किया, अटेम्प्ट किया पहला होल्ड करने का, आज फिर से वहीं पे आया है, तो यहां से बाउंस बैक करेगा या फिर नीचे गिरेगा, बस इसी बेस पे हमारा ट्रेड बनता है। ऊपर अगर 800 को क्रॉस करके वापस से उसको होल्ड कर लेता है तो ये बाउंस बैक कराएगा और हम वहां पे करेंगे बाय, और 790 को नीचे की तरफ 792 तक अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो ये हमारा सेल निकल के आएगा इंट्राडे में। 30 मिनट टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो आपको मुश्किल से 5 रुपए का यहां पे स्टॉप लॉस नजर आएगा, 5 से मैक्सिमम 6 रुपीज का, तो इस बेस पे आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। ये रहेगी हमारी एनालिसिस फॉर टुमारो गाइस, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।